जो कि जेपी गोलंबर से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेंगे, लेकिन इससे पहले रीना पासवान जो उनकी माता है उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद लेने के बाद जो है चिराग पासवान यहाँ पर पहली दफा अपने कार्यकर्ताओं के साथ दलबल के साथ जो है निकलेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए किस तरह से माँ रीना पासवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। और आशीर्वाद लेने के बाद जो है ये उन्होंने कहा था कि निकलेंगे और सरकार के नाकामी और काम से जो परेशान है और जो विधि व्यवस्था से परेशान है उसको लेकर चिराग पासवान लगातार नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर चिराग पासवान ने आज के दिन को जो है राजभवन मार्च के लिए चुना था और पैदल मार्च निकालने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जो है राज्यपाल से करेंगे। ऐसे में अभी जो है यहाँ पे अपने आवास पर कृष्णापुरी वाले आवास पर आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्या कुछ तस्वीरें हैं ये हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए अभी जो है आशीर्वाद चिराग पासवान ने लिया है और गले मिलकर जो है निकल रहे हैं। देखिए पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद से चिराग पासवान कहते रहे हैं कि माता ही हमारी मजबूती है और माँ से आशीर्वाद लेने के बाद हर काम करते। चिराग जी किस तरह से आज बड़ा बहुत बड़ा दिन है, पापा के अधूरे कार्यों को पूरा करने जा रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने भी दो बार बिहार बचाओ यात्रा उन्होंने की थी, आज उसी नाम से मैं बिहार बचाओ मार्च पर निकल रहा हूँ। तो वो पल याद आते हैं, वो दिन याद आते हैं जब पापा के साथ ऐसे किसी कार्यक्रम में निकलता था। तो यकीनन बड़ा दिन है, भावुक दिन है, पर इतना है कि पापा जहाँ कहीं भी हैं आशीर्वाद दे रहे होंगे। पहली दफा सड़कों पे निकल रहे हैं माँ से आशीर्वाद लेने के बाद, कितनी मजबूती मिल रही है क्योंकि पिता के निधन के बाद आपने कहा कि माता ही हमारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल, पापा की तरह इन्होंने संभाला है मुझे, जैसे वो परछाई की तरह, चट्टान की तरह हर जगह मजबूती से मेरे साथ रहते थे, अब वो भूमिका में ये हैं। और ये मेरे हिम्मत को, बाहर की लड़ाई आसान हो जाती है जब घर वालों का मजबूती से साथ मिलता है। यहाँ पर मेरी मदर हूँ, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, दोनों बच्चे, मेरे एक और जीजा जी, तो जब सब लोग जब साथ में होते हैं तो लड़ने की ताकत मिलती है, लड़ाई आसान हो जाती है। कोई बात नहीं, उनका भी जो मिला अच्छा है सर आंखों पर। भाई मैं अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरी लड़ाई बिहार पर राज करने की नहीं है, बिहार पर नाश करने की है। जो मिला अच्छा है सर आंखों पर। भाई मैं अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरी लड़ाई बिहार पर राज करने की नहीं है, बिहार पर नाश करने की है। मुझे कोई सत्ता का सुख नहीं पाना, मंत्री नहीं बनना, किसी लालसा में मैं नहीं कर रहा हूँ। आज अगर सड़क पर उतर रहा हूँ तो सही मायनों में, और आप सब मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगे, बिहार में जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, भाई महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जैसा दुष्कर्म हो रहा है, जहरीली शराब से जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, छात्रों पर जिस तरीके से लाठियां चल रही हैं, शिक्षकों पर जिस तरीके से लाठियां चल रही हैं, क्या ये रहने वाली दिशा है, दशा है जिस तरीके से आज बिहार बदहाली की कगार पर जा रहा है? इसको बदलने के एक ईमानदार प्रयास से मेरे पिताजी ने पूरा जीवन समर्पित किया, बिहार में हो रही कुरीतियों से, बिहार सरकार की कुनीतियों से लड़ते हुए बेहतर बिहार को बनाने का के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। कई उनके अधूरे कार्य बाकी रह गए हैं जिनको पूरा करने का एकमात्र लक्ष्य मेरे पास। चिराग को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, चिराग पासवान को रोकने, इतनी भारी पुलिस बल की तैनाती अगर अपराधियों को रोकने के लिए की जाती तो बिहार थोड़ा ज्यादा सुरक्षित जगह बनती।